हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आप लोग इतना ज्यादा मुझे प्यार करते हैं कि मेरी हर वीडियो पे आपके कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स थे कि भैया हमें चाय बनाकर दिखाइए। सो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चाय बनाकर नहीं दिखाने वाला हूं, आज की वीडियो में मैं चाय बनाने के बाद आपको प्राइसिंग की डिटेल्स देने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में चाय बिजनेस जितनी तेजी से खुल रहा है उतनी तेजी से बंद भी हुआ है। बहुत सारे लोगों का बंद होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या प्राइस रखना है। क्योंकि आप प्राइस इसलिए सही नहीं रख पाते क्योंकि आपको यह नहीं पता होता कि आप जो चाय बना रहे हैं उसमें पर कुल्लड़ की कॉस्टिंग आपको क्या पड़ रही है। एंड इसी एक छोटी सी नहीं, इसी एक बड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से बहुत भारी नुकसान होता है लोगों का। सो यहां पर आज की वीडियो में मैं आपको चाय बनाकर दिखाने वाला हूं। चाय बनाने के साथ साथ मैं आपको चाय का कलर दिखाऊंगा और चाय बनाते टाइम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम, जो गलतियां हम लोग करते हैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, ये अगर आप वीडियो देख रहे हो तो या तो आप चाय बिजनेस कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो। सो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से इनके सारे मैंने फ्लेवर ट्राई करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने अपने YouTube के करियर में और अपने बिजनेस के करियर में मैंने इतने चाय की कंपनीज के फ्लेवर ट्राई करें कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड बहुत सारी कंपनीज के फ्लेवर ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल कलर बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरा पेट खराब हो गया भाई, कुछ खाने का मन नहीं करता है। सो इस कंपनी के फ्लेवर्स को यूज़ करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। 100% नेचुरल फ्लेवर में ये काम करती है कंपनी, और इस कंपनी का पॉजिटिव रिस्पांस इतना ज़्यादा है कि मेरे पहले वीडियो पे आप लोगों ने मार कमेंट करे और आपने रिक्वेस्ट करा कि ये इस कंपनी के चाय के फ्लेवर्स को बनाकर दिखाऊं मैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं चाय बनाकर दिखाऊंगा, प्राइसिंग के डिटेल भी दूंगा कि आपको पर कूलर प्राइस क्या पड़ रहा है, ताकि आप अपने एरिया में उसका प्राइस डिसाइड कर पाएं। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको केसर बादाम मिल्क भी बनाकर दिखाने वाला हूं। इसकी खासियत यह है कि इसको आप ठंडा गरम दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसको गरम सर्व कर सकते हैं, हॉट सर्व कर सकते हैं, और गर्मियां जैसे कि अभी चल रही हैं तो यहां पर आप इसको चिल्ड सर्व कर सकते हैं। बहुत मजेदार टेस्ट आता है। और आपको बताऊंगा कि आपको इसमें चार्ज कैसे ज्यादा लेना है, क्या आपको करना है। देखो, कुछ एक चीजें होती हैं जो आप बनाने के बाद उनको प्रेजेंट इतना अच्छे से करते हैं कि आप उसमें अच्छा चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से। तो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। मैं ये छोटा सा सेटअप लेकर बैठा हूं, आप देख लो, ये एक छोटा सा बर्नर है, इसमें मैं ये ब्यूटेन गैस लगाऊंगा और मैं आपको चाय बनाकर दिखाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आपके पास बजट नहीं है ना, और आप ये कहते हो कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। ये टेबल सेटअप देख रहे हो ना आप, ये छोटा सा सेटअप है। अगर मैं आप एक शॉप के बाहर ये लेकर खड़ा हो जाऊं तो मैं अपना चाय का धंधा कर सकता हूं। और ये टेबल सेटअप, ये 2500-3000 की टेबल है, ये 1500-2000 के आसपास का ये बर्नर है, और ये आपको इससे सस्ता भी मिल जाएगा। ये तो भैया कैंपिंग के लिए यूज करते हैं लोग, इसलिए मैंने ये वाला ले रखा है, क्योंकि मेरे को वो पाइप वाइप का झाड़ चाहिए नहीं था। लेकिन अगर मैं ये वाला बर्नर भी LPG से चल सकता है। सो यहां पर मैं आपको पास से दिखाऊंगा, इसमें LPG भी लग जाती है। तो LPG अगर आप लगाते हो तो आप इस टेबल में एक होल करो और यहां से LPG पाइपलाइन लगा के नीचे सिलेंडर रख दो, ये भी आप कर सकते हो, बट मैं फिलहाल आपको ब्यूटेन से बनाकर दिखाऊंगा। इसके अलावा तो इस पूरे सेटअप में भाई 10,000 का भी खर्चा नहीं आया है, और इस सेटअप को आप कहीं भी लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो अब मुझे बता दो कि 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आपके पास। तो देखो, किसी की कंपनी की बहुत लाखों की फ्रेंचाइजी लेने से अच्छा है किसी अच्छी कंपनी के अच्छे फ्लेवर लो, ताकि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि आप टेस्ट अच्छा दो। आप कहां पर क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, ये मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट है कि आप किस क्वालिटी का बेच रहे हो। तो अगर आप किसी सही कंपनी से सही फ्लेवर लेकर सही चाय बनाते हो, टेस्ट अच्छा है, तो आपका धंधा चलेगा। आप चाहे किसी दुकान के बाहर खड़े होकर करिए, चाहे पे एक छोटा सा कार्ट खोलकर करिए, हाइजीन के साथ बेचिए, साफ सफाई से बेचिए। ये टेबल सेटअप थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, मैं आपको पास से दिखाऊंगा। व्हाइट टेबल है, एक बर्नर है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये सिंपल सेटअप है, आप ऐसे फ्लेवर्स को लगा के भी काम शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट होने लगे, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ने लगे, फिर आप धीरे धीरे सेटअप करो या आप नई शॉप ले सकते हो। सो सारी चीजें कवर करेंगे, चलते हैं वीडियो में और सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टेबल के पास ले जाकर सारी चीजें करीब से दिखा देता हूं। देखो, ये जो पैकेट्स हैं चाय पत्ती के, ये आप देख लो। और फर्स्ट पार्ट में मैंने कंप्लीट डिटेल में सारे फ्लेवर्स इनके ओपन करके दिखाए थे, ये पैकेट्स खोल के भी दिखाए थे कि अंदर कैसे फ्लेवर्स हैं, कितने नेचुरल दिख रहे हैं। तो अगर आप वो नहीं देख पाए हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो यहाँ पर आप देख लो भाई, कड़क मसाला चाय है, इसके अलावा हैदराबादी ईरानी चाय है, चेन्नई एक्सप्रेस मसाला चाय है, तुलसी अदरक चाय है, और ये आगे आपका द फ्रेश कैटल की रॉयल केसरिया चाय। इसके अलावा ये बर्नर जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, केसरिया मिल्क। ये भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, पानी में इस पैकेट को ऐड करना, बन जाएगा, दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस। उसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास रानी गुलाबो चाय, इसके अलावा है इलायची अदरक चाय, और इसके अलावा हमारे पास है ये पान चाय, और साथ में हमारे पास है ये चॉकलेट चाय। सो ये कुछ 9 से 10 फ्लेवर्स है। अगर आप और फ्लेवर्स देखना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल में इनके सारे फ्लेवर्स दिखाए, ओपन करके दिखाए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये कुछ कप्स हैं
जो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये जो बहुत ट्रेंड चल रहा था ना चाय पियो और कप खा जाओ, ये वो वाले कप है, लेकिन ये ना भाई टूट जाते हैं ट्रांसपोर्ट में। एक और सबसे बड़ी बात, अगर इनको आप बहुत टाइम तक रखते हैं तो ये सील जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे समझ में तो ये नहीं आए, बट आपके सिटी में अगर ये चल रहे हैं तो आप खरीद लो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ वीडियो की कि इनको खरीदने से पहले, अपनी चाय को इनमें सर्व करने से पहले ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्ट में ये टूटेंगे कुल्लड़ की तरह। और इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं या आपकी चाय कम निकलती है और आपने बल्क क्वांटिटी मंगा ली तो ये सीले हो जाते हैं, सील जाते हैं ये, मतलब सॉगी टाइप हो जाएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट में यार टूटते बहुत है, तो आपका नुकसान होगा और इसमें आपकी चाय की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी इसमें, ठीक है। इसको मैं करता हूँ साइड में। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास पैन दूध, मैं ये वेरका का मीडियम टोन्ड मिल्क यूज़ कर रहा हूँ जिसका फैट कंटेंट होता है 4.5, राइट। तो आपको यही वाला दूध यूज़ करना है। आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, चाहे अमूल का लीजिए, वेरका का लीजिए, आनंदा का लीजिए, या कोई भी आपके यहाँ पर आता है, आपको मीडियम टोन मिल्क लेना है, ये ग्रीन वाले पैकेट्स, राइट। क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं, चाय का बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और बोलते हैं भैया मैं, मेरे साथ खुद जब बात होती है तो वो कहते हैं नहीं भैया मैं ना फुल क्रीम रेड वाला पैकेट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं बहुत अच्छी चाय सर्व करना चाहता हूँ। सो ऐसा नहीं होता भाई, आप इससे अगर बनाते हो सही कंसिस्टेंसी आती है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो जाती चाय, तो इसका आप ध्यान रखो। तो इससे चाय बहुत अच्छी आती है, और पानी भी मिलाना होता है चाय में, अगर आप मिलाना चाहते हो वो मैं आपको बताऊंगा, और मिलाकर ही पानी आपको बनाना सिखाऊंगा। मैं एक्चुअल में ये चाय आज ऐसे नहीं बनाने वाला हूं जैसे हम घर पे बनाते हैं, मैं आपको चाय बनाकर दिखाऊंगा जैसे आप बिजनेस के लिए बनाते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें कवर करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर पानी रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि 500 ml के पैकेट में आपको कितना पानी मिलाना है, जो एकदम स्टैंडर्ड होता है प्रोसेस, क्योंकि अगर आप ज्यादा मिला दोगे तो ज्यादा पानी हो जाएगी चाय में, और अगर कम मिलाओगे तो भी मजा नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा प्रॉपर। तो यहां पर बाकी ये सारी चीजें कुछ मैंने रखी हैं जो चाय मेकिंग में काम आएंगी, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ये 100 ml और ये भी 100 ml का कप है, दोनों क्यों रखें ये भी आपको दिखाऊंगा, और ये मैंने मेजरिंग कप है यहां पर, इसमें मैं दूध रखूंगा। सो फटाफट से ये सारा सेटअप करता हूं चेंज, ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हटाता हूं, और फिर हम बात करते हैं सीधा चाय के ऊपर ही, ताकि आपको आराम से सब कुछ इजी वे में समझा पाऊं। तो दोस्तों यहां पर सारी एक्स्ट्रा चीज मैंने हटा दिया, और मैं अब सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आपको चाय बनाने से पहला स्टेप क्या करना। मान लो आप अपने शॉप पर चले गए, अपने काउंटर पर चले गए, सो आपको सबसे पहले दूध रेडी करना होता है। अब दूध रेडी करने का मेरा मतलब है कि दूध के जो पैकेट्स आते हैं उनमें आपको अगर पानी मिलाना है तो आप दिन की शुरुआत में ही मिला लो। आप बार बार कस्टमर के सामने चाय बनाते टाइम पानी मत डालो, क्योंकि कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है, उसको ऐसा लगता है कि चाय में पानी मिलाया तो चाय अच्छी नहीं बनी है, बट अल्टीमेटली टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि चाय में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होती है भाई चाय पत्ती। सो अगर आप कोई अच्छी कंपनी के फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, अच्छी चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं, सो अगर आप चाय में थोड़ा सा पानी भी मिलाते हैं तो भी चलता चाय की कंसिस्टेंसी, चाय का कलर, चाय का फ्लेवर, चाय का एरोमा बहुत अच्छा आता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपने ऐसा कोई भी, मान लो मैं तो ये मेजरिंग कप ले रहा हूं प्लास्टिक का, आपको मान लीजिए आपकी दुकान पे आपने एक स्टील का बर्तन ले लिया या स्टील का पतीला ले लिया, अब उसमें आपने ये मीडियम टोन्ड मिल्क ले लिया, आपने आपके दिन में अगर 10 लीटर निकलता है तो आपने 5 लीटर का पहले कर लिया और 5 लीटर का बाद में, आपको करना क्या है, आपने बस पैकेट को कट करना है, और कट करने के बाद आपको अपने पतीले में मिला लेना है। अब ये दूध मेरा डल गया, अब ये दूध हो गया 500 ml, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि 500 ml दूध में आप 150 ml पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 100 ml का कप है, अब यहाँ पर मैं डालूँगा 100 ml और आधा कप, तो ये हो गया 150 ml पानी। अब ये जो 650 ml है, अब इससे मेरे दूध की चाय बनेगी, तो जो दूध जलता है तो वो जो पानी मैंने डाला है वो जल जाएगा और आपको एज इट इज 500 ml की चाय मिल जाएगी, सबसे पहली बात। अब सबसे पहले मैं करता हूँ बर्नर को ऑन और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हो गया मेरा बर्नर ऑन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ पैन को। अब कस्टमर आया, पैन आपने बस बर्नर ऑन करा, कस्टमर बोला भाई 2 कप चाय, तो आपने इस तरीके का कप रखना है कि आपको पता हो कि भैया ये कप मेरा 100 ml का और कस्टमर को मैं 100 ml सर्व करता हूँ। सो आपने क्या करा, यहाँ पर मैं डालूंगा 1 कप, 2 कप और ये 1/2 कप, ठीक है। मेरे को 250 ml की चाय बनानी है, तो पानी मिला हुआ है कस्टमर के सामने, मैंने सिर्फ दूध ऐड किया है, कस्टमर को दिख रहा है भाई प्योर दूध में चाय बन रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई कि आपको मीडियम टोन्ड मिल्क लेना है जो कि 4.5 फैट कंटेंट हो जिसमें, और उसके बाद सवेरे दुकान की शुरुआत होते ही आपको दूध और पानी मिक्स कर लेना है कस्टमर के सामने। अब मैं ये दूध के बगैर अगर पहले पानी डालता तो आपको भी थोड़ा सा अजीब लगता, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अब यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, मुझे सबसे अच्छी लगती है ये रानी गुलाबो चाय, तो हम बनाएंगे ये रानी गुलाबो चाय यानी कि रोज टी। इसको रखता हूँ मैं साइड में। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे आपका दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर आपको शुगर ऐड करनी है। देखो भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पहले पत्ती ऐड कर देते हैं फिर बाद में उसमें चीनी ऐड करते हैं, सो ये गलती आपको नहीं करनी है भाई। सबसे पहले आपको चीनी ऐड करनी होती है ताकि
अगर आप पत्ती डालने के बाद फिर चीनी को ऐड करते हैं तो चीनी ना चाय को पतला करती है, राइट। तो इसलिए चीनी को आप पहले डालेंगे। जैसे अभी दूध हमारा गर्म हो चुका है, अब यहाँ पर आपको डालनी है चीनी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इस तरीके का स्पून है, ये 4 ग्राम का स्पून है बेसिकली। अब अगर पत्ती चीनी डालेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा वेट में, ये इससे चाय 4 ग्राम जाती है चाय पत्ती। तो हमारा दूध गर्म हो गया है, अब मैं यहाँ पर डालूंगा 2 चम्मच के आसपास चाय, ठीक है, और फ्लेम को करूंगा थोड़ा सा कम। तो चीनी हमारी डल चुकी है, अब चीनी को हम थोड़ा सा स्टेयर करेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको जैसी डालनी हो, जितना जैसा आपको टेस्ट चाहिए हो। इसके अलावा आपको 250 ml चाय बनाने के लिए 8 ग्राम चाय पत्ती डालनी होती है, जो कि इस स्पून से हम 2 स्पून डालेंगे और ये 1 स्पून 4 ग्राम के आसपास होगा। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ फ्लेवर को। और अगर आप सैंपल किट ऑर्डर करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सैंपल किट के बारे में बता देता हूँ। ये सैंपल किट है इस तरीके की, इसमें भाई साहब आपके पास 21 फ्लेवर आएंगे, 19 फ्लेवर टी आएंगे और 2 नॉर्मल CTC आएंगी। इसके अलावा इसमें 8 ग्राम के हर फ्लेवर होंगे जिनसे आप 250 ml चाय बना सकते हो एक सिंगल पैकेट से, और 5 से 6 मिनट उसको बॉइल करना होगा। तो ये फ्लेवर पैकेट है जिसको मैंने पुरानी फर्स्ट पार्ट वीडियो में ओपन करके सारे फ्लेवर दिखाए थे कि 19, 20, 21 जो भी 21 फ्लेवर हैं कौन से हैं, तो एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आप इससे बनाते हो तो आपको सिर्फ 250 ml में एक पैकेट ये डाल देना होगा। अब यहाँ पर मैंने ये जैसे कि ओपन कर दिया है, अब यहां पर क्या करूंगा, इसको ओपन करता हूं मैं, और आप ये चाय पत्ती एक बार नजर डालो, शायद आपको दिख पा रही होगी, ये देख लो भाई, चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, मिल चुकी है इसमें। अब हम डालेंगे यहां पर 2 चम्मच रोस्टी, ये आ गई हमारी रोस्टी 1 चम्मच, और ये आ गई। अब मैं थोड़ी सी कम डालूंगा क्योंकि भाई मैं इनसे चाय इस फ्लेवर इनके कंपनी के फ्लेवर से चाय बनाते रहता हूँ, काफ़ी स्ट्रांग है भाई, तो ज़्यादा पत्ती डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने आपके सामने पूरे 2 चम्मच भी नहीं डाले, और अभी अब कलर देखना चाय का। तो ये आप देख लो भाई, ये पूरा रोज़ चाय पूरी रोज़ रोज़ दिख रहे होंगे आपको। अब इसको हम करेंगे यहाँ से मिक्स, राइट, ये हो गई है। अब यहाँ पर साथ के साथ मैं टाइमर एक्टिवेट कर दूंगा, और मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट इसको बॉयल होने देना है। अब आराम से इसको बॉयल होने देना है 5 से 6 मिनट, और उसके बाद हमारी चाय रेडी हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों, अगर आप सैंपल किट ऑर्डर करते हैं तो इस सैंपल पैकेट्स के अंदर आपको ये छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स मिलेंगे, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया ऐसे इस तरीके का। तो 250 ml चाय बनाने के लिए आपने जैसे मैंने दूध डाला था उसमें सीधा ये पैकेट एक फाड़ के डाल देना आपको, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये 8 ग्राम होगी, ठीक है। इस तरीके के आपको ये बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, ऐसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार सैंपल किट का प्राइस क्या है। तो ये जो सैंपल किट है 21 फ्लेवर की, ये सैंपल किट आपको 300 रुपये की मिलेगी, और अगर आप 2 सैंपल किट लेते हैं तो वो 500 की मिलेगी, 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 3 सैंपल किट ऑर्डर करते हैं तो ये आपको 700 रुपये की पड़ेंगी 3 सैंपल किट। तो आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आपको एक ही चाहिए तो आप 300 की ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको 2 चाहिए तो 500। मैं कहूँगा 2 ऑर्डर करो यार, ताकि आप सारे फ्लेवर को 2 बार एटलीस्ट बनाकर पीकर चेक कर सको, राइट। इसको करते हैं साइड में, और हमारी चाय ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी चाय ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको और बॉईल कर सकते हो, और उसके बाद हमारी चाय रेडी हो जाएगी। तो ये चाय हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको छान लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसमें छानूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझा दूँ, बाद में मैं आपको दिखा दूँगा। ये इसमें मैं छान रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी रोज़ चाय बनकर रेडी हो चुकी है, कुछ नहीं मिलाना। आप चाहे अदरक चाय मिलाइए बनाइए, चाहे आप तुलसी अदरक चाय बनाइए, आपको कुछ अलग से मिलाने की जरूरत नहीं, पत्ती में सब कुछ ऐड है। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो ये मेरे पास एक कप है, ये मेरे पास एक कप है, और ये मेरे पास एक कप है। तो ये तीनों कप जो है ये 100 ml के हैं, ये 100 ml का है, ये भी 100 ml का है, और ये भी 100 ml का है। तो अब आपको करना है, इसमें 90 ml के आसपास आती है, 70 to 80 ml आप इसमें सर्व कर सकते हैं। ये मतलब चाय पियो और खाओ वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ कप है। सो अब क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों कप में आप फर्क देख लो, एक तो ये वाला जो कप है ये बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, और ये वाला जो कप है इसमें एक स्टैंडर्ड आता है, इसमें पकड़ने में अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, क्योंकि ये जो जगह है ना ये काफ़ी एरिया घेर लेती है और आपकी चाय कम जाती है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चाय बहुत ज़्यादा सर्व हुई है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप इसमें अगर सर्व करते हो इस छोटे वाले या इस तरीके के जो छोटे बर्तन आते हैं, तो उसमें कस्टमर को लगेगा यार चाय थोड़ी कम थी। तो ये देख लो भाई, ये चाय है, मैं पास से आपको दिखा देता हूँ, कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, राइट। अब इसी को मैं इसमें डालता हूँ, आप देख लो ये दोनों बर्तन में कितना फ़र्क है। अब देखो चाय का कलर। अब एक बार मैं हल्के से सिप भी ले लेता हूँ भाई। ओए हाय,
भाई जो मैंने प्रोसेस आपको बताया ना, जिस मेजरमेंट से मैंने आपको बताया ना, इसमें चाय में मैंने पानी मिला रखा है, बट ये देखो आप हल्का सा यहाँ पर देखो, चाय हल्की सी लगी और वहाँ पर रुकी हुई है भाई। इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है, जो लोग कहते हैं ना हमें थिक चाय पसंद है, थिकनेस भी प्रॉपर है और टेस्ट तो लाजवाब है। तो एक बार ट्राई करो सैंपल किट से, आपको खुद अंदाजा मिल जाएगा। अब मैं इस सेटअप को करता हूँ साइड में, इस चाय को मैं वेस्ट तो करूँगा नहीं, इसको मैं पीता हूँ और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ केसरिया मिल्क बनाकर, जो कि और ज़्यादा बेटर बनता है। और मैं आपको बताऊँगा कि इसको बनाने के बाद आपको कैसे चार्ज करना है। मैं एक बड़ी सी कंपनी में अभी मैंने विजिट किया था, कैफे चेन में, रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मैंने केसरिया मिल्क पिया था, जिसका चार्ज 120 रुपए के आसपास था, बॉटल में दिया था, बट क्या उन्होंने अलग किया था जिसकी वजह से मुझे 120 रुपए देना खला नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो तरीका भी आपको बताऊंगा कैसे ये बनाना है और कैसे आप बड़े ब्रांड्स की तरह इसको बनाकर अच्छा पैसा ले सकते हैं अपने कस्टमर से और कस्टमर भी सेटिस्फाई होकर जाएगा। सो फटाफट इस सेटअप को चेंज करता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ये 1975 से मसाले के बिजनेस में है और लास्ट 40 ईयर से फ्लेवर चाय पत्ती बना रही है, वो भी 100% नेचुरल और ऑथेंटिकेशन के साथ देती है। कोई भी कंपनी इंडियन मार्केट में आपको ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट नहीं देगी, और ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट तो सेपरेट चीज़ है भाई, खुद पीना सबसे बड़ा ऑथेंटिकेशन है। आप पियो, ट्राई करो, आपको ऑथेंटिसिटी अपने आप पता चल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ केसर बादाम मिल्क बनाने के लिए आपको ये सिंपल सा पैन लेना है। अब यहाँ पर आपको 250 ग्राम वाटर डालना है, दूध नहीं डालना है, सिर्फ आपको पानी डालना है। फ्लेम को करता हूँ ऑन और यहाँ पर मैं 250 ml वाटर ऐड कर रहा हूँ। ये 100 ml का कप है मेरे पास, तो ये हम डाल देते हैं 1 cup, ये हम डाल देते हैं यहाँ पर 2 cup और ये हम डाल देते हैं यहाँ पर 1/2 cup। तो ये पूरा 250 ml वाटर हो गया। अब ये जैसे ही गर्म होता है फिर हम यहाँ पर डालेंगे केसर बादाम मिल्क वाला ये पैकेट। तो ये है दोस्तों केसरिया मिल्क। अब वाटर हल्का सा गर्म होने लगा है तो अब हम इस पैकेट को फाड़ के इसमें डाल देंगे। अब इसको भी एक बार हम घुमा लेंगे। केसर मिल्क बनाने के लिए भी हम इसको लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। जैसे ही 8 से 10 मिनट हो जाएंगे आपका केसर मिल्क भी रेडी हो जाएगा। अब ऊपर से आप इसमें बादाम डाल सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप करके रखे हुए हैं, ये आप बादाम ऐड कर सकते हो और ज़्यादा टेस्ट देने के लिए। बट ऑलरेडी उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड हैं, आपको कुछ नहीं मिलाना है वैसे तो, एज़ पर कंपनीज रिकमेंडेशन कुछ नहीं मिलाने पर भी आपको एक प्रॉपर टेस्ट मिलता है, एंड मैंने टेस्ट किया भी है, मज़ा आता है। बट अगर आप थोड़ा सा और अच्छा चाहते हो और अच्छा चार्ज लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको बनाने के बाद इस बॉटल में डालकर फ्रिज में जमा दूंगा, मतलब फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूंगा, क्योंकि मुझे ठंडा बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ऑब्वियसली गर्मी है तो ठंडा ही पसंद आएगा, सो इसमें मैं डाल दूंगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो कैफे का रेस्टोरेंट का नाम है उसके स्टिकर्स प्रिंट करवा सकते हैं और यहाँ पर स्टिकर आपने लगा दिया और नीचे लिख दिया बादाम मिल्क, या कुछ भी अगर आप स्टिकर नहीं प्रिंट करवाना चाहते तो आप बादाम मिल्क का स्टिकरिंग कर सकते हैं, एंड उसको यहाँ पर चिपकाने के बाद आप इसको बनाकर इस बॉटल में डालकर फ्रिज में जमा दो। जितने ऑर्डर आते जाएंगे आपको बस निकाल कर देते जाने, आपको उस टाइम पर पजल भी नहीं होना पड़ेगा। तो इसको अब हम करते हैं बंद और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बनकर हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब इसको एक बार हिलाऊंगा मैं और यहाँ पर आपके सामने इसको डाल देता हूँ। तो ये है भाई कुछ केसर मिल्क, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये इस बॉटल में डालने के बाद आप इसको आराम से अच्छा खासा चार्ज ले सकते हैं और अच्छा खासा सर्व कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये बॉटल हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें थोड़े से हम क्या करेंगे बादाम ऐड कर देंगे। आप आराम के साथ में इसको 100 का बेच सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो, कैसा आपको प्राइस पड़ने वाला है। मैं आपको इसका मेकिंग प्राइस बताऊंगा अभी वीडियो में, बस अब हम इस सबको हटाता हूं और आपको दोनों का मेकिंग प्राइस बताता हूं, चाय का और केसर मिल्क का, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने का बेचना है। तो दोस्तों आपने देख लिया चाय को बनाना और केसरिया मिल्क को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको चाय की मेकिंग का जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो बताऊँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये जो केसर बादाम है ना इसको आप देख लो, ये बॉटल अभी मैंने आपके सामने बनाई है बट इसका रुख बदल गया, इसकी काया बदल गई, ये मैंने स्टिकर इसमें लगा दिया। तो ये स्टिकर मैंने प्रिंट नहीं करवाया ना ही मैंने कहीं से लिया, आपको मैं दिखाता हूँ। ये केसरिया बादाम के फ्रेश केटल वाले पैकेट थे, तो इसमें ये आप देख लो, ये नीचे फोटो बना है और यहाँ पर लिखा हुआ है
केसर बादाम मिल्क, तो मैंने इसको कट कर लिया जो मैंने पैकेट यूज किया था और यहाँ पर इसको स्टिकर को लगा दिया। मैं आपको दिखाना यह चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल बॉटल ऐसे तैयार होती है आपकी, बना सेम उसी तरीके से जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, बट आपको बिना फ्रेंचाइजी के ऐसा काम करना है जैसे कंपनीज करती हैं भाई, बड़े लेवल का काम। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने ये केसर बादाम जो केसरिया मिल्क का जो मैंने पैकेट यूज़ किया था 47 ग्राम का, इसका जो प्राइस है ये 50 रुपीज़ के आसपास है और विद इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड सब कुछ मेकिंग वेकिंग मिलाकर आपको ये 52 रुपीज़ की बॉटल ये रेडी होगी। अब ये कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नेचुरल 100% नेचुरल चीज़ भी कोई चीज़ होती है। और आप ना, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेना है, आप बस इसको एक बार ट्राई जरूर करना, पीकर देखना और फिर एक बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर करके देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा जहाँ पर ये ऐसी बॉटल 100 रुपये 120 रुपये की ऐसी मिलती है, मैंने खुद पी है भाई। तो दोस्तों अगर बात करें चाय बनाने की लागत के बारे में, तो 50 ml चाय बनाने के लिए जो दूध आपका यूज होगा वो 3 रुपये का होगा। और मैं यहाँ पर आपको पहले ये चीज़ बता दूँ, दूध मैंने यहाँ पर 3 रुपये लिया है। अगर आप दूध में पानी मिलाते हैं तो आप अपने दूध की कॉस्टिंग यहाँ पर 2 रुपये 1.5 रुपये भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने एक्चुअल में जो प्राइस है, जो जेन्युइन प्राइस है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक सही चीज़ मैं बता पाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आपको चाय की कॉस्टिंग कम करके 3-3.5 रुपये दिखा दूँ और बाद में आपको प्रॉफिट ना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सही चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो दूध की जो प्राइस है वो 3 रुपये आपको पड़ेगा। पेपर कप अगर आप यूज़ करते हैं तो 30-50 पैसे का पेपर कप हो गया। गैस, शुगर और अदर एक्सपेंसेस में आपके 1 रुपये लगेंगे। इसके अलावा जो चाय पत्ती आप यूज़ करोगे वो 1 रुपये की हो गई। तो टोटल कॉस्ट आपकी जो आएगी वो 5 रुपये 50 पैसे आएगी 50 ml की चाय को रेडी करने में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 60 ml की चाय को रेडी करने में, तो सेम कॉस्टिंग आएगी आपकी। 70 ml की चाय को रेडी करने में 7-7.5 रुपये लगेंगे। 80 ml की चाय को रेडी करने के लिए आपके 9-9.5 रुपये लगेंगे। और 90 ml की चाय को रेडी करने में आपके 10-10.5 रुपये लगेंगे। एंड अगर आप पेपर कप के बजाय इसको कुल्लड़ में सेल करते हैं, कुल्लड़ में सर्व करते हैं, सो आप 1.5-2 रुपये अपना कुल्लड़ का प्राइस जोड़ लेना। आपके एरिया में कितना मिलता है, कितने का मिलता है कुल्लड़, वो आपको डिपेंड करता है। कुल्लड़ 1 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 50 ml 60 ml 70 ml वाले कुल्लड़, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये जो कॉस्टिंग मैंने करी है ये अपने हिसाब से मैंने कर दी है, आप अपने एरिया के हिसाब से, अपनी सिटी के हिसाब से, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से देख लेना कि आपको रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ें कितने की पड़ रही हैं, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट ज़रूर कर लेना एक बार। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आप किसी भी ब्रांड में जाएंगे, किसी भी ब्रांड के आउटलेट में जाएंगे, आपको 10 रुपये वाली चाय आप बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम जगह पर बंद ही कर दिया। सो मिनिमम कॉस्ट जो चाय की स्टार्ट हो रही है वो 15 रुपये से स्टार्ट हो रही है। सो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बोलूँ आप 10 की बेचो, 5 की बेचो और बाद में आपको अल्टीमेटली नुकसान हो। तो आप एक चाय 15 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग प्राइस आप 15 रख सकते हो और जो कटिंग चाय है वो 10 की रख सकते हो। तो आप इस प्राइस के साथ जाओ, इससे नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप क्वालिटी दे रहे हो और क्वालिटी देने में आप प्राइस चार्ज कर सकते हो। लोगों को समझ में आता है टेस्ट और लोग क्वालिटी आजकल ढूंढते हुए आते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। इसके अलावा दूसरे कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज की जब आप चाय पत्ती यूज़ करते हैं जिनमें आर्टिफिशियल एसेंस होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो वहाँ पर ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती ज़्यादा, और दूसरी उसको पीने के बाद कस्टमर को अजीब लगेगा, ज़्यादा अच्छा फील नहीं करेगा, और कस्टमर का जो टेस्ट है ना चाय का वो भी कुछ टाइम तक ही रहता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली जो चाय होती है वो एक बार गर्म करने के बाद दोबारा उसको गर्म नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फ्लेवर बिल्कुल बिगड़ जाता है उसका। दूसरी बात, वो अगर आप एक बार चाय बनने के बाद वो या तो बिल्कुल कलरलेस हो जाती है या फिर वो थोड़ी सी काली पड़ जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फ्लेवर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स या आर्टिफिशियल एसेंस या आर्टिफिशियल कलर वगैरह यूज़ है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। एनबी फूड प्रोडक्ट्स की जो चाय पत्ती है वो भी कंपेरेटिव टू अदर कंपनीज की चाय पत्ती से कम यूज़ होती है। जहाँ पर इनकी 100-150 ml चाय बनाने के लिए सिर्फ 4 ग्राम चाय पत्ती यूज़ होगी, वहीं पर दूसरी कंपनीज की 8-12 ग्राम यूज़ होगी। तो डबल का फर्क है भाई, डबल से भी ज़्यादा का फर्क है। सो अल्टीमेटली जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके फ्लेवर अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं और कम चाय पत्ती यूज़ करने के बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं पर कंपेरेटिवली आप ज़्यादा चाय पत्ती यूज़ करके भी आपको प्रॉपर कलर, प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।